नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एक देश एक कर यानी GST लागू होते ही देश भर में कई जगह इसका विरोध भी शुरू हो गया है। व्यापारी समझ नहीं पा रहा है आखिर वो करे तो क्या करे। कश्मीर में GST पास हो गया तो PM के अपने गृह प्रदेश के सूरत में कपड़ा व्यापारी विरोध पर। GST को वापस लेने की मांग कर रहे सूरत के व्यापारियों के समर्थन में देश के अन्य हिस्सों में भी व्यापारी समर्थन कर रहे हैं। वो सड़कों पर उतर आए। सरकार इसे कर सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। ऐसा नहीं है इससे वस्तुएं महंगी हुई हों, कुछ सस्ती भी हुई हैं, जिसमें मांस भी शामिल है। जानकार इसे सरकार की गौ मांस पर दोहरी नीति बता रहे हैं। एक तरफ गौ मांस की अफवाहों में भीड़ हत्या पर उतारू है तो दूसरी तरफ सरकार इसे कर मुक्त कर प्रोत्साहित कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। GST की पेचीदगी से आम व्यापारी पशुपेश में है तो आम उपभोक्ता इसे कब समझ पाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। यही है हमारा आज का विशेष GST। केंद्र सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में GST का देश को बहुत फायदा होगा। एक कर एक राष्ट्र की जो नीति है उससे बहुत लाभ होने वाला है। विपक्ष भी इसके समर्थन में रहा है लेकिन इसको लागू करने के तरीके को लेकर कई जगह असंतोष के स्वर भी उभर रहे हैं। अब ये असंतोष कितनी दूर जाएगा या धीरे धीरे लोग इसे समझ जाएंगे और आखिर ऐसा है क्या जिसको लोग लेकर इस तरह से पशुपेश में हैं, इस विषय पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने GST के विरोध में महारैली निकाली। झांसी में कपड़ा व्यापारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूपी के सहारनपुर में GST के विरोध में वुड कार्विंग उद्योग और बाजार तीसरे दिन भी बंद रहे। धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है, GST हटने तक विरोध जारी रहेगा। इंदौर में टिम्बर व्यवसायियों ने धरना देकर GST हटाने की मांग की। सरकार ने कर सुधार के नाम पर हर जगह लगने वाले टैक्स को एक कर दिया है, जिससे सिर्फ एक ही स्तर पर टैक्स देना होगा। लेकिन व्यवसायी अपने अपने उद्योगों से GST हटाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोगों को अब तक GST समझ ही नहीं आया है। कुछ चीजों को सरकार ने GST के दायरे में रखा है तो कुछ को GST के बाहर, जिसमें गौमांस भी है जिसे GST से बाहर की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने गौमांस विक्रय को हतोत्साहित करने की बजाय उसे कर मुक्त कर दिया है। गौवंश ही नहीं सुअर और गधे के मांस को भी कर मुक्त रखा गया है। GST लागू होने के बाद मांस सस्ता हो गया है, जिससे ये माना जा रहा है GST मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में दिल्ली में भैंस ले जा रहे 6 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है और आए दिन अफवाहों के कारण पिटाई और हत्या की घटना भी सुनने को मिलती है। टैक्स से बचने के लिए व्यापारियों ने दूसरा रास्ता भी निकाल लिया है। चेन्नई की एक दुकानदार ने एक जोड़े जूते को अलग अलग कर बेचना शुरू कर दिया है। वो इसके लिए 2 बिल भी बना रहा है। इसी तरह सालों तक बासमती चावल बेचने वाली एक कंपनी ने विज्ञापन देकर अपना ब्रांड बनाया और अब उसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वापस लेने की तैयारी कर ली है। इस कंपनी ने व्यापारियों को बिना ट्रेडमार्क वाले ब्रांड्स पर टैक्स छूट क्लेम करने को कहा। अपने प्रोडक्ट्स को GST के दायरे से बाहर करने या फिर कम टैक्स के दायरे में लाने के लिए व्यापारी अजब गजब तरीके अपनाने लगे हैं। देश में प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में भी विरोध के बाद GST लागू कर दिया गया है। सरकार जागरूकता फैलाने के लिए भी अभियान चला रही है। इन सब के बीच व्यापारी सड़कों पर हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। टैक्स रिपोर्ट न्यूज पर। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं
वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा, कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन यादव और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सरवैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, अगर आपसे ही इस बात को शुरू करें, इसलिए कि जीएसटी की सारी रूपरेखाएं आपने तैयार की, आप लागू करने की कोशिश भी करते रहे और आप नहीं कर पाए और अब एनडीए सरकार में वो लागू हो गया है, इसको समय समय पर आप इसको लेकर जिस तरह से आपने पहले सहमति दी और बाद में इसके लागू करने के तरीके को लेकर जो आपने असहमति है, वो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि असहमति होनी चाहिए? राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब ने उस दिन, जिस दिन जीएसटी की लॉन्चिंग हो रही थी, उस दिन कहा था कि इसको मैंने शुरू किया, मैं इसको लाना चाहता था। लेकिन जो प्रणब मुखर्जी साहब का, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो जीएसटी का परिकल्पना थी, उससे ये जीएसटी उल्टा है। वहाँ पे 14% टैक्स मैक्सिमम जाने की तैयारी थी, आज वो 28% टैक्स पे लाके जीएसटी को खड़ा किया गया है। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को शामिल किया गया था, आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर है। आज कफन पे टैक्स लगाया गया है, आप देखिए कफन पे टैक्स लगाया है, यहां तक कि अब ये हिंदुओं की सरकार के कहने वाली पार्टी आज गौ मांस और उस पे टैक्स फ्री कर रही है, मांस पे 0% टैक्स और अगरबत्ती पे 12% टैक्स की घोषणा करती है, आज भगवान की मूर्ति पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। ये मेरा कहना है कि ये जो है ये एक संगठित लूट है, इसमें जीएसटी काउंसिल के अलावा किसी की सलाह नहीं ली गई, किसी व्यापारी को बुला के बैठा लग गया हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जीएसटी काउंसिल के कौन सी मीटिंग हुई जिसमें व्यापारियों को बुलाया गया? किसी को नहीं बुलाया गया, एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। वो जीएसटी जो कांग्रेस लाना चाहती थी, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी जीएसटी शामिल था, आज 57% टैक्स है। अगर इसको माइनस किया जाए और जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो 35 से 40 रुपए लीटर में यहाँ पेट्रोल मिलने की बात होगी, लेकिन उसको झुठला दिया गया। आज दूसरी चीजों की बात करें आप, आज चिट्ठी पे टैक्स लगाया गया, आज बड़े व्यापारियों को आप देखें, उनको छूट के लिए रास्ता बनाया गया, क्योंकि अंबानी पेट्रोलियम का कारोबार करता है, अडानी अपने कारोबार करते हैं, इसलिए उस पर उनको फायदा दिलाने की कोशिश की गई। आज मेरा ये कहना है कि ये जो जीएसटी आया है ये जन विरोधी है, ये जनता को लूटने का प्रयास है, इसमें जनता का फायदा होने वाला नहीं है। अनिल सरवैया, काफी ढेर सारी समीक्षाएं की हैं आपने, जीएसटी पे कुछ लिखा विखा भी था, कैसे देख रहे हैं आप इसको और इतना असमंजस क्यों है, हर तरफ विरोध, जबकि हर जगह यही कहा जा रहा है कि ये जनहित ऐसी है, बहुत फायदे का है, एक कर है, व्यापारियों के लिए बहुत भले का है, इससे कई तरह के इन्वेस्टमेंट भी होंगे, लेकिन ये जनता में इतना विरोध क्यों है? कोई अर्धनग्न अवस्था में खड़ा हुआ है, कोई सड़कों पर पिट रहा है, कोई ट्रेन रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आखिर है क्या ये? निश्चित तौर पर रिजवान भाई, ये कहा जा सकता है कि जीएसटी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक भारत की जो टैक्स सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है, लेकिन इसके कई जो सकारात्मक पहलू जो सरकार बता रही है वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि एक पूरा के पूरा एक ऐसा सिस्टम को हमने बदला है जो सालों से चला आ रहा है, जो जिसको जो अभी तक का जो सिस्टम था टैक्स का, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे स्टॉकिट्स हो, चाहे खुदरा व्यापारी हो, सभी के लिए वो एक उसको समझना बड़ा आसान था और उसमें सभी ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। ये जीएसटी आने के बाद जो स्थितियां बनी हैं, जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, निश्चित तौर पे यही स्थिति अमूमन हर शहर में है, हर व्यापारी कंफ्यूज है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब अपना व्यवसाय आगे किस तरफ ले जाना है और किस तरह से करना है। बेहतर ये निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि तैयारियां शायद उतनी नहीं की गई, उतना लोगों को समझाया नहीं गया, जिसके कारण ये सब स्थिति जो हालात बन रहे हैं। बहुत अच्छा होता कि जीएसटी को एकदम से लागू करने से कम एक साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता, लोगों को बताया जाता, समझाया जाता, और जब लोगों की शंकाओं के समाधान होते और उसके बाद जब ये लागू होता, मुझे लगता है तब इसका शायद ज़्यादा सार्थक परिणाम
और शायद ज़्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं कि हर तरफ एक असमंजस की स्थिति है, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से चीज़ों को और आसान तरीके से लोगों को समझाने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति नहीं बदल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो GST का जो पूरा ढांचा तैयार किया गया है उसको सरकार को करना ये था कि सेक्टर वाइज यदि कोई उसमें टैक्स डिसाइड होते तो वो ज़्यादा असरदार होते, वो ज़्यादा समझने में आसान होता है। लेकिन यहाँ एक एक चीज़ को जिस तरह से 5-5 कंपोनेंट में बदल कर उस पर टैक्स लगाए गए तो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जो है व्यापारियों के साथ आ रही है। एक ही तरह की चीज़ पे 3 तरह की टैक्स की स्लैब है तो व्यापारी के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने उत्पाद को, अपनी सर्विस को, सेवा को किस कैटेगरी में माने, 5% में, 8% में, या 14% या 18% में, किस में। तो ये जो उसको इतने सारे उसको उसमें बांटा गया है टुकड़ों में एक ही उत्पाद को, वो सबसे बड़ी विसंगति इस GST में जो है नजर आती है। बिल्कुल मोहन यादव, GST बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पहले आपके लिए नहीं थी, अब आपके लिए भी बहुत महत्वाकांक्षी है, इसलिए आप लागू तो करने का श्रेय आपको ही जाता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी जो कई तरह की राय बार बार आती है, लोगों को आप भरोसे में नहीं ले पाए। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जिसकी जनता बहुत अधिक सुनती है, उसकी बात मानती है, नोटबंदी जैसे अप्रिय निर्णय पर भी वो कतार लगाए रहती है लेकिन साथ में खड़ी होती है, उसके बावजूद ऐसा क्या है जो उनके ही प्रदेश सूरत में खासतौर से कपड़ा व्यवसायी सबसे अधिक नाराज है इस तरह की चीज़ों में। कई जगह अलग अलग तरह से व्यवसायी उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और समझ से परे है, व्यापारियों के ही समझ नहीं आ रहा तो आम उपभोक्ता क्या समझेगा इसको, बड़ा अजीब सा है। आप इसे कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे इसमें जल्द से जल्द? देखिए, ये बड़ा महत्वाकांक्षी और खास करके आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा एक विषय है जिस विषय पे सबसे ज़्यादा लोकसभा में और लोकसभा के अलावा भी बैठ के होकर के निर्णय करने का प्रयास किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना बड़ा ये कदम है उतने बड़े कदम की स्वाभाविक रूप से कई सारी कमियाँ आना ये अपेक्षित है, उसमें अनपेक्षित जैसा कुछ नहीं है। ये भी बात भी सही है कि हमारे पास आज दुनिया में 160 देशों ने GST लागू किया है, हमारा नंबर 161वां आ रहा है, तो हमको दुनिया से कदम मिला के अगर चलना है और हमारे अपने देश के अंदर एक तरफ हम कहते हैं हम कालाधन खत्म करना है, करप्शन का दूसरा मामला खत्म करना है, सरलता से व्यवस्था लागू करना है, तो कराधान के लिए GST से बढ़कर के कोई इसमें अच्छा कदम नहीं था। अब मैं समझ सकता हूँ कि जितनी बड़ी ये योजना है जिस ढंग से इसको लागू की गई है, स्वाभाविक रूप से हमने इसमें शुद्ध रूप से देशभक्ति का भाव सामने रखा है और जनता को नीचे तक जितना लाभ मिल सके उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश करेंगे कि इसमें जो जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को हम दूर करें और उस तरह से सुधार करते जाएं, जो जरूरत होगी उस ढंग से कदम उठाने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। अब ये बात सही है कि हमारा अपना जो समाज है थोड़ा ठहराववादी समाज है, इसको परंपराओं से चलने की आदत है, जहाँ कोई बदलाव आता है तो स्वाभाविक रूप से बदलाव की बात कम होती है और उतावल करके उस पे जो नकारात्मक बात है वो तुरंत लाते हैं। ये तो आप पहले भी जानते रहे होंगे जी, यादव कि आप भी जानते रहे होंगे, पूरे देश के इतने बड़े थिंक टैंक है वो भी ये सब जानते रहे होंगे कि जैसे जनता में एकदम से इस तरह का काम किया जाएगा, जब कभी बड़ा निर्णय होता तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया आती है, सरकार और समाज हम सब मिलकर के इसका हल निकालेंगे, इसी भाव से बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये हमारा बिल ऐसा था जिस बिल को सब लोगों ने मिलकर लिया है। अब ये अलग बात है कि चोर से करे चोरी कर साहूकार से जागते हैं। अब 14% 16% की अपर लिमिट रखने की बात हो रही थी, नहीं ये 18% की अपर लिमिट तक की बात, 12-18 की बात कांग्रेस के समय से आई है। और मैं एक और आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, 28% तक आ गए ना। नहीं, मेरा ऐसा कहना कि जो विषय ऐसे आएंगे उसमें सुधार की गुंजाइश है ना, खत्म कहां हो गया मामला। अरे जब बात ही ये हुई थी, जब बात ही शुरुआती इस बात से हुई थी, यही इसी शर्त के साथ निर्णय लेने की बात हुई थी, समर्थन मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसमें जितनी बार बैठकें की है, राज्यों का आपस में जो राजस्व का बंटवारा है उस बंटवारे के आधार पर कई निर्णय हुए हैं। सामूहिक निर्णय, ये कोई इंडिविजुअल निर्णय नहीं है, इसलिए सामूहिक निर्णय में अगर हम बढ़ रहे हैं। अरे ये ज्यादातर तो राज्य आपके ही हैं, लागू भी आप ही को करना है, बात भी आप ही की सुनी जाती है, सुनाने की स्थिति में भी आप हैं, सब कुछ आप हैं, और उसके बाद
फिर आप कहते हैं कि राज्यों के कहने पर ऐसा कर दिया। नहीं, राज्यों से तालमेल तो रखना ही पड़ेगा ना, राज्य किसी दल के हो, लेकिन तालमेल जब आप हमने ये तय कर लिया अपर लिमिट 18 से ज्यादा नहीं जाएंगे। नहीं, ये तय नहीं हुआ है जो आप कह रहे हैं, इसलिए अभी आप बताइए पेट्रोल के मामले में, एक्साइज के मामले में बात आ रही, तो राज्यों ने कहा कि छोड़ो इसको, इसलिए छोड़ दिए गए। अदरवाइज इसको पेट्रोल को इसको ले सकते थे, लेकिन चूंकि क्या हुआ, कई राज्यों ने कहा कि भाई एक्साइज है, पेट्रोल है, ये हमारे को हमारे हिसाब से करने दीजिए, तो सरकार ने छूट दे दी। आपने कहा अभी जो विषय उठा दिया गोमांस की बात थी, अगर गोमांस पे टैक्स लगा देते तो सरकार टैक्स गोमांस बेचना चाहती, मतलब कुछ भी करेंगे तो उसके जो स्वाभाविक रूप से जो बात आती है, गोमांस आपने छेड़ा है, बात करेंगे इस पर एक बार, मैंने बात कही है, पलट कर छेड़े आप बात करेंगे इस पर, जी जी, इसलिए कि गोमांस को लेकर जो जिस तरह कहा कि हम किसी प्रकार के मांस के प्रोत्साहन में नहीं है, हम मांस विक्रय पर एक तरह से इससे बचना चाहते हैं, हमने कहा कि किसी हालत में गौ माता की हत्या नहीं होना चाहिए। चल लौटेंगे लौटेंगे मोहन यादव आप पे लौटेंगे, इसको भी समझेंगे, जी जी, इस बात को समझेंगे, जितेंद्र क्या सोचते हैं इस पर, वो क्या कहना चाहते हैं उसको भी समझेंगे, लेकिन अभी रमेश शर्मा जी समझ लेते हैं इस पहले दौर की जो बातचीत है उसके बारे में क्या कहेंगे रमेश शर्मा जी। ये कानून तो अच्छा है, एक विधान, एक निशान, एक टैक्स, कहीं ना कहीं एक रूपता तो होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से जो 28% तक आया, क्योंकि सरकार को पैसों की कमी थी, पैसों की कमी के कारण वो परसेंटेज बना, और पेट्रोल को जो छोड़ा गया तो वो भी राज्य सरकारों के दबाव में छोड़ा गया, पेट्रोल भी छोड़ दिया, शराब भी छोड़ दिया, जी हाँ, तो इन पर चूंकि राज्य सरकारों के टैक्स बेट इस पर लगता है, जैसे डीजल पेट्रोल पर राज्य सरकार 24% वसूलती है, तो स्वाभाविक रूप से उन संसाधनों को ध्यान रख करके इसको अलग किया गया। लेकिन फिर भी इसमें जो विसंगतियां खास तौर से देखने को आ रही हैं, जैसे कि खास तौर से मांस पर, सरकार से ये उम्मीद हम जरूर करते थे कि ये सरकार थोड़ा सा मांस बिक्री पर कुछ हतोत्साहित करेगी, लेकिन इस टैक्स से कहीं ना कहीं अगर मांस सस्ता हो रहा है तो वो हतोत्साहन का भावना नहीं आ रहा, ये कहीं ना कहीं ये भाव है। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों पर विशेषज्ञ के स्तर पर विचार कुछ कम हुआ, इम्प्लीमेंट के स्तर पर जहाँ तक बातचीत है, इस टैक्स से एक बात तो जरूर है कि इससे कालाबाजारी रुकेगी, और लेकिन व्यापारियों को जितने कागज भरना पड़ेंगे व्यापारियों के सामने, वो सारी की सारी समस्या आ रही, कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया का एक सरलीकरण होना ही चाहिए था, उस प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण एक बड़ी असमंजस जैसी स्थिति है और लोगों में असंतोष है। जहां तक विरोध का सवाल है, कुछ विरोध तो जायज है और कुछ विरोध राजनीतिक भी है, जो भी पार्टी सरकार में होती है वो जब निर्णय लेती है तो अपोजिशन उसका विरोध करता है। जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा कि जिन दिनों कांग्रेस सरकार में थी, लैंड एक्विजिशन एक्ट का और इस जीएसटी का भाजपा ने विरोध किया था, लेकिन जब ये लोग सरकार में आए तो लैंड एक्विजिशन एक्ट भी लेकर के आए और जीएसटी भी लेकर के आए, अब वो कांग्रेस इनका विरोध कर रही है जो कांग्रेस उसमें लाने वाली थी। तो कुछ विरोध तो राजनीतिक होते हैं और कुछ विरोध स्वाभाविक होते हैं। मैं समझता हूं जो परिस्थिति अभी देश में उभर करके आई है, इस समय केंद्र सरकार को इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए, और फिर अगर जीएसटी के बाद, ये बात सही है मोहन यादव जी की कि सरकार कहीं ना कहीं मांस बिक्री के इस आरोप से बचना चाहती थी कि वो प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी से वो सस्ता होगा, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार इन चीजों पर बातचीत करें, अगरबत्ती है, मूर्तियां हैं, धार्मिक जो चीजें हैं उन पर किस प्रकार लोगों को राहत मिले, और जो दूसरी चीज हो सकती है, जो सिगरेट हो सकती है, जो शराब हो सकती है और अन्य सामग्री जो हो सकती है, उस पर किस प्रकार वो बढ़ाएं, और फिर इसके सरलीकरण की एक प्रक्रिया होना चाहिए, जो कई तरह के फार्म है उसके बजाय कोई ऐसा एक सरल फार्म बनाए जो एक फार्म व्यापारी भर दे और उसे एक फार्म से काम हो जाए, इस तरीके से इसमें काम हो जाना चाहिए, तब तो ये जीएसटी पर लागू होगा, अन्यथा इस पर ये असमंजस बनी रहेगी और व्यापारी इसकी चोरी का कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, चूंकि अपराध आगे चलता है और उसके बचाव के उपाय उसके पीछे चलते हैं, तो कुछ ना कुछ वो रास्ता निकाल लेंगे, और जिस काले धन को लेकर के ये सारे कानून लाए जा रहे हैं, चाहे वो डिजिटल करेंसी का हो या इस तरीके जीएसटी हो, कहीं ना कहीं काला धन जो प्रचलन में है उसको रोकने के लिए लाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका उतना लाभ नहीं होगा जितनी इन कानूनों से अपेक्षा रिजवान भाई की जाती है। कुछ सवाल है मेरे आपसे। सूरत प्रधानमंत्री के प्रभाव का क्षेत्र, उनका एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिलता है, इस बार भी मिला है, पहले भी मिलता रहा है। सूरत के कपड़ा व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पिटाई भी हो गई, उनके समर्थन में पूरे देश भर में कपड़ा व्यापारी आंदोलन सड़कों पर आ गए, ऐसी कई चीजें, ऐसा क्या है? राजनीतिक विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन व्यापारी जिस पर ये लागू होना है, जिसको इसको अमल में लाना है, वो ऐसे कई लोग, आप
खुला जो भोज पदार्थ है, खुला जो सामान है, अन्य तरह का जो सामान है, वो जीएसटी उस पर नहीं है। लेकिन जो जैसे ही डिब्बा बंद हुआ उस पर जीएसटी लागू हो गया, जैसे ही वो पैकिंग में आ गया जीएसटी लागू हो गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं गया जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, लोगों को एक विश्वास में लिया जाना चाहिए था। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जीएसटी पर जितनी व्यवहारिक इस पर दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए था, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस पर बिल्कुल विचार नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे यहाँ एक प्रचलन चल गया कि बंद कमरों में बैठ करके कुछ लोगों ने एसी कमरों में आईएएस ने जो विचार कर लिया है वो उस तरीके से लागू हो गया, व्यवहारिक धरातल का इसमें अभाव है। और दूसरी बल्कि मैं तो एक और कहूंगा, मुझे कई बार इसको जीएसटी को देख करके आश्चर्य होता है कि भाजपा का एक बरसों से व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थक रहा है। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे किसान भी उनसे छिटक रहा है और व्यापारी भी उनसे छिटक रहा है। तो जीएसटी पर न केवल व्यवहारिक पक्ष का अभाव रहा है बल्कि इसमें राजनीतिक आकलन में भी कुछ ना कुछ चूक की है सरकार ने। बिल्कुल जितेन शर्मा, जितेन मिश्रा आप कुछ कहना चाहें? मेरा ये कहना है रिजवान भाई, टैक्स लिया जाना चाहिए, सरकार बिना टैक्स के नहीं चलती है, लेकिन सरकार वेलफेयर काम करती है इसलिए इसको टैक्स लेना चाहिए। मौजूदा सरकारों में ये देखने में आ रहा है कि ये व्यापारी का व्यापार कर रही है, ये व्यापारी बड़े व्यापारियों को समर्थन देने के लिए इस टाइप के कामों को अंजाम दे रही है। आज विजय माल्या जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब में फायदा दिया गया उन्हें, आज अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए आज पेट्रोल, होना ये चाहिए था कि जब आप पेट्रोल सस्ता करोगे, आप डीजल सस्ता करोगे तो आपको किसान को फायदा होगा, क्योंकि सीधा डीजल का उपयोग आज किसान करता है, परिवहन में फायदा होगा, चीजें सस्ती होंगी। लेकिन उसके लिए किसी भी सरकार को इच्छा शक्ति होना चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति ये समझ में आ रही है कि ये बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाह रही है, गरीब को मजदूर को ये और ज्यादा परेशान करने की नीयत से ये कानून थोपा गया है जिसको ये आजादी बता रहे हैं। ये आजादी है बल्कि ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला, ये इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने वाला काम है। देखिए आप आने वाले दिनों में इंस्पेक्टर राज लागू होगा देश के अंदर और व्यापारियों को तरह तरह से परेशान किया जाएगा, ये इनकी सोच है, ये मेरा कहना है। कुछ जिक्र किया था अभी मोहन यादव जी ने भी किया था, हमने अपने इस कार्यक्रम में भी रखा था, मैंने भी उसका उल्लेख किया था, गोकुली प्राणी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उस वो शब्द चार जगह आया है। एक जगह गाय या गौवंश के क्रय विक्रय पर है, वो जीवित प्राणी पर है। दो जगह उसके मांस का है उल्लेख है, एक जगह उसका ताज़ा मांस और उसके अलावा वो प्रिजर्व किया जा गया हुआ मांस या डब्बा बंद मांस, उसके बारे में उल्लेख है। और एक जगह उनके अवशेष जो हैं, शारीरिक जो अवशेष हैं उनका, उनके क्रय विक्रय पर सभी जगह ये जीएसटी कर से मुक्त किया गया है। कुछ चीज़ें मेरे इसमें समझ में नहीं आई हैं, आपसे भी समझना चाहूँगा, मोहन जी से भी समझूंगा और दोनों विद्वान पत्रकारों से भी समझूंगा। अगर आप मांस का उल्लेख करना चाहते हैं तो आप एक लाइन से लिख सकते थे कि मांस जो है वो सभी समस्त प्रकार का प्राणियों का मांस जो है वो कर मुक्त है, लेकिन ये गोकुली लिखना, सुअर लिखना, गधा लिखना, इस तरह की जो चीज़ें, ये क्या है आखिर, ये इसके पीछे क्या? और जब जब गाय की रक्षा को लेकर पूरे देश में एक अजीब तरह का तनाव, अजीब तरह का माहौल है, मरने मारने पर लोग उतारू हैं, तो ऐसे समय में इसे हतोत्साहित किए जाने की कोई कोशिश दिख रही है ऐसा लगता नहीं है, क्या कहेंगे जितेन मिश्रा? कि ये सामंतवादी सोच है, जजिया कर मुगलों के समय भी हटा था, या फिर जजिया को लगाने की इनकी कोशिश है, धार्मिक यात्राओं पे टैक्स लगाया गया, आज मांस को फ्री करके अगरबत्ती को आपने टैक्स में लाए हैं, आज भगवान की मूर्ति पे टैक्स लगा रहे हैं, आप क्या सरकार संदेश देना चाहती है ये समझने की बात है। मेरा ये कहना है इसमें कि इन सब चीज़ों से टैक्स दूर होना चाहिए, मांस को यदि आप मांस बिक्रय को हतोत्साहित करना चाहते तो उस पर टैक्स लगाना था, सरकार की मानसिकता को समझने की कोशिश होना चाहिए साहब। मेरे को ये लग रहा है
कि सरकार गरीब के साथ नहीं। आज किसान किसी होटल में, गरीब मजदूर किसी होटल में दो रोटी और दाल खाने जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स। फाइव स्टार होटल पे टैक्स लगाते समझ में आ रहा था, थ्री स्टार होटल पे टैक्स लगाते समझ में आज आज गरीब किसान का तो रेट वही है, लेकिन ब्रांडेड का आपने उसको महंगा कर दिया। ब्रांडेड इसलिए कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए। आज अगर दो रोटी खाने किसान जाता है किसी होटल में तो उसको टैक्स देना। अभी आपकी रिपोर्ट सुन रहा था कि व्यापारियों ने एक एक जूते के बिल बनाना शुरू कर दिए। ये इस सरकार के हाल है साहब, एक जूते का बिल अलग बन रहा है, दूसरे जूते का बिल अलग बन रहा है। ये क्रांतिकारी बदलाव, ये इन्होंने 15 लाख रुपए अकाउंट में लाने को भी बड़ा क्रांतिकारी फैसला बताया था। इन्होंने काला धन और भ्रष्टाचार मुक्त करने की भी ऐसी बातें कही थी। इससे बड़े बड़े क्रांतिकारी परिणाम इनके अभी सामने आ चुके हैं। अब एक नया ये जीएसटी का फार्मूला है, इससे जनता त्रस्त होगी और ये आप देखना, ये इनका फेल होगा, इन्हें इसमें बदलना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। अनिल सर भैया, वही सवाल, एक जगह धार्मिक भावना भी है, मांस ठीक है, अन्य प्रकार का मांस तो ठीक है, वो जिस तरह से बाजार में बिक रहा है बिकने देते, लेकिन गोकुली प्राणी जब हम बात करते हैं उसका एक तो उल्लेख क्यों करना पड़ गया, क्यों आवश्यक था उसका उल्लेख, एक सवाल ये। दूसरा, अगर हमने उल्लेख किया था तो कम से कम कुछ कर ही लगा देते, लेकिन हमने उसको भी अन्य प्राणियों के मांस की तरह ही उसको बिना कर में रखा। कैसे कैसे देखते कैसे हैं आप इसको? रिजवान जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस जीएसटी में जो सबसे बड़ी विसंगति जो दिखाई देती है, जी मैंने पहले कहा था, ये बहुत अच्छा बदलाव है और टैक्स सिस्टम को बदलने वाला, भारत के लिए बहुत जबरदस्त एक जो शुरुआत थी, लेकिन इस जीएसटी की जो सबसे बड़ी विसंगति, जैसे आपने कहा कि गोकुलीय प्राणी, उसमें चार बार उल्लेख, मतलब उसको चार तरह के भागों में हमने बांट दिया है, मतलब सरकार ने जीएसटी में बांटा है। तो यही समस्या अमूमन हर तरह के उत्पाद के साथ आ रही है। इसमें उन्होंने एक नंबर दिया है, हर एक को सीरियल नंबर है कि इस तरह के उत्पाद का नंबर ये है, इस उत्पाद का कोड ये है, सॉरी मतलब उसका उसको जो कोड दिया गया कि इस उत्पाद का कोड ये। तो जब बात पशुओं की आई या गोकुली प्राणियों की आई तो आप देखिए उसको भी चार भागों में जो है बांटा गया है। तो ये सबसे बड़ी एक विसंगति इस पूरे टैक्स सिस्टम में एक सामने आ रही है, जिससे हर एक तरह का व्यापारी परेशान है। दूसरी चीज जो आपने कही कि ये बार बार इसका उल्लेख क्यों करना पड़ा सरकार को, उस नोटिफिकेशन में वो मैंने भी देखा है उसको कि जगह जगह बार बार गोकुली प्राणी आ रहा है, और ये बिल्कुल एक बात समझ से परे है कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी। उसको चार जगह पांच जगह उल्लेख करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, ये बाकी में समझ से परे है। और उस एक तरह से हमने जिस गाय की हम जो अभी तक बात करते आ रहे हैं उसको लेकर तरह तरह की सियासत हो रही है, उसको एक तरह गुंडागर्दी भी हो रही है सड़कों पर और उसको अवैध तस्करी भी हो रही है, इन सब के बीच में उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह आपने पेश कर दिया है कि ये गाय एक बिजनेस की एक व्यापार का एक भोज पदार्थ है, एक वस्तु है, उसको हमने बिल्कुल वो एक बड़ी बात समझ से परे आ रही है इसमें, और इसको वाकई में समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसका सही जवाब तो जो है माननीय अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री जी सबके सामने रख सकते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा आखिर क्या रही है इस तरह के नोटिफिकेशन की। बिल्कुल। सबसे अंत में पूछूंगा आपसे, रमेश शर्मा जी से भी समझ लेता हूं मैं, मोहन यादव, फिर आपसे अंत में पूछूंगा। सवाल यही है मेरा भी आपसे, यही है रमेश शर्मा जी, और इसके साथ साथ अभी कोई जिक्र मुझसे ये भी कर रहा था कि वो जो धार्मिक स्थलों पे कई तरह के भोजन परोसे जाते हैं, लंगर या इस तरह की कई चीजें हैं, उस पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो ये ऐसा क्या है, कहाँ क्यों नहीं समझा गया इसको, और क्या उनको बहुत महारथी मान लिया गया, वो जो जीएसटीएन जो एक कमेटी बनाई गई उनको इतना मान लिया गया और सब कुछ उन पर छोड़ दिया,
या बहुत जल्दबाजी में सारी चीजें कर ली गई? हाँ, ये चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजों पर मुझे लग रहा है कि कुछ भ्रम भी है। मोटे तौर पर लंगरों में जो सामान खरीद करके आएगा, जैसे चावल आएगा, गेहूं आएगा, आटा आएगा, उन पर जीएसटी लग जाएगा, लेकिन लंगर जो लोग खिला रहे हैं उस पर जीएसटी का उसमें कोई कालम है नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भ्रम से भी फैल गई हैं जीएसटी को लेकर के। सरकार की एक ये सबसे बड़ी चूक ये भी दिख रही है कि उसका बहुत क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा, ना तो क्लेरिफिकेशन जनता के बीच में आ रहा है और ना क्लेरिफिकेशन उसका व्यापारियों के बीच में आ रहा है। आमतौर पर इससे पहले व्यापारियों को लेकर के जब भी कानून बने हैं, चाहे चुंगी कर लगा हो या चुंगी कर खत्म हुआ हो, बेट लगा हो या उसको खत्म हुआ हो, या टोल टैक्स लगा हो, जब भी कानून बने हैं सरकार की कोई ना कोई एजेंसी उन्होंने इन्वॉल्व करके व्यापारियों की बाकायदा बैठकें ली हैं और एक एक चीज उनको समझाई है। कई बार तो उसकी क्लासें तक हुई हैं व्यापारियों की, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है कि उन्होंने लागू कर दिया। मंशा उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका व्यवहारिक पक्ष ऐसा आ गया कि उसमें एक अजीब तरह की धुंध उसमें मतलब दिखने लगी है। मोटे तौर पर जिस तरीके से तीर्थ यात्रा पर कई बार मुझे लग रहा है कि तीर्थ जो जीएसटी के जो प्रावधान है वो तीर्थ यात्रा पर कैसे लागू होंगे। बहुत से बहुत होगा तो कहीं एंट्री टैक्स के तो रूप में हो सकता है, लेकिन जीएसटी में तीर्थ यात्रा कैसे होगी, या लंगर कैसे उसमें आएगा, या कहीं पर जो धर्मार्थ किसी अस्पताल में चल रहे हैं, कहीं और चल रहा है, जैसे भोपाल में भी एक रोटी बैंक चल रहा है, तो मोटे रोड पर उस पर ये लागू कैसे होगा, लेकिन एक भ्रम जैसी एक स्थिति बन गई है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने जिस तरीके से इसको लागू किया है, लागू करने के साथ साथ उसको समझाने में भी उसको बहुत दिक्कत आ रही है। कल किसी से मेरी चर्चा हो रही थी, भोपाल में एक रोटी बैंक चलता है, उसमें आप तो या तो रोटी दान कर दीजिए या उसके लिए कुछ पैसा दान कर दीजिए। तो मैंने उनको कहा कि इसमें जीएसटी का प्रावधान कैसे लागू होगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सरकार कई तरह के भ्रम की भी स्थिति है। वो भ्रम का वो निवारण कर ही नहीं पा रहे हैं। सवाल यही है कि आपको लगता है क्या कि कहीं कुछ ऐसा असमंजस है, या बार बार सरकार के इस तरह के निर्णयों को लेकर धीरे धीरे जनता में एक भ्रम की स्थिति हो गई, कि पीछे आप जितने भी तरह की बातें कहते हैं वो यथार्थ में जनता तक फिर पहुंचती नहीं कि आपके इस काम से क्या फायदा, क्या असर हुआ। और खास तौर से अगर आप कहें जैसे संदेश देने की तो लगातार कोशिश की गई, बड़े बड़े मंचों को साझा किया गया, मीडिया का पूरा उपयोग किया गया, लगातार बताया गया, वित्त मंत्री ने हर टीवी चैनल पर जाकर इस बारे को कहा, प्रधानमंत्री ने जिस घंटा बजाकर इसे लागू भी किया, और उसके बाद उन्होंने सीए और बाकी तरह के लोगों के बीच में भी इसको जाकर कहा, यहां तक कि उन्होंने इसराइल से भी इसका संदेश दे दिया। इतना कुछ कहना, इतनी बातें करना, बार बार कहना, कई बार कहना, तो क्या लगता है आपको कहीं जनता में एक भ्रम की स्थिति बन गई है कि आप जो बातें कहते हैं वो बाद में मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं, या वो उस तक फिर संदेश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जनता ने इस बार कुछ सुना कम है? ये सरकार ठीक उसी तरीके से टीवी पर और मीडिया पर देख करके या सोशल मीडिया पर केंद्रित हो गई। स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया का असर है और टीवी का भी असर है, लेकिन फिर भी देश में 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं वो सब इन चीजों से बहुत दूर उसमें पड़ रहे हैं। तो एक एक समाने में सरकारें बाकायदा इन सब चीजों के लिए एजेंसी होती थी, उनके अपने राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे जो छोड़ करके इन चीजों को ट्रेनिंग जैसा काम करते थे। खासतौर से भाजपा की पद्धति तो मैंने ये देखी थी कि समय समय पर वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को बुला करके भेजते थे और जाकर के वो समझाने की कोशिश करते थे, गांव-गांव में बैठकर लगे थे तो लोगों को समझाते थे। लेकिन इस जीएसटी पर इस बार केवल जो हाई प्रोफाइल तरीके का प्रचार है उसके अलावा कोई दूसरा इसमें काम हो नहीं रहा। लोगों को कई बार तो उनसे कोई संबंधित भी नहीं है, तब भी उनके सामने प्रश्न खड़े हुए हैं और कई तरह की अनिश्चितता उनके दिमाग में आ रही है। तो इन चीजों का जो निवारण एक योजनाबद्ध तरीके से, सिस्टम तरीके से किया जाना चाहिए था, उसका इस बार मैं बराबर अभाव देख रहा हूं। बिल्कुल मोनिया, तो बहुत तरह के सवाल हैं, लंगर तक पर सवाल खड़े हुए। कुछ कहना चाहते हैं अनिल सवैया आपके, जल्दी से कह दीजिए फिर अंतिम सवाल। मोनिया को लेके अभी कई तरह के प्रश्न जनमानस में, मीडिया में, व्यापारियों में, इतने कई प्रश्न हैं और मुझे लगता है अभी उनके सीधे सीधे और बहुत स्पष्ट जवाब खुद सरकार के पास भी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक कार्यशाला जीएसटी पर हुई थी, वहाँ बहुत वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के थे और वहाँ जिस तरह का वो वहाँ पर जो हुआ प्रश्नोत्तर जो हुआ जीएसटी को लेकर, वहाँ कई सवालों के जवाब भारत सरकार वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं दे पाए। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं मोटा मोटा
कि कई सवाल ऐसे हैं कि शायद जिनके अभी अनसुलझे हैं, और शायद सरकार के पास भी अभी उनका स्पष्ट कोई जवाब नहीं है। जी मोहन यादव, आपसे बहुत ढेर सारे सवाल लोगों के सबके जहन में हैं, अब आपके पास भी कितने जवाब हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कई जगह ये कह रहे हैं कि धार्मिक यात्राओं पर, कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि जो लंगर हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, इसलिए कि बंद बहुत ढेर सारे समय गुणवत्तापूर्ण, इसलिए लंगर बड़े जगहों पर तो खासतौर से गुणवत्तापूर्ण भोजन ही लंगर में दिया जाता है, जो जनभागीदारी से हुआ वो तो ठीक है, बाकी सब सामान खरीदा जाता है और वही गोकुली पानी चार चार बार। आखिर ऐसा है क्या जिसको आप मानते हैं कि ये जनभावना है? आप ये भी मानते हैं कि गाय जो है वो बहुत पूजनीय प्राणी है हिंदुस्तान की एक बड़ी जनता के लिए, ऐसे सबके बीच क्यों बार बार ऐसा लिखा गया? देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा था और अभी मैं दोबारा फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जिस निर्णय के माध्यम से हमारी समूची कर प्रणाली ही बदल करके सरलीकरण की तरफ बढ़ रही है। और निश्चित रूप से उसके संबंध में आप याद करिए 8 नवंबर 2016 का जब नोटबंदी की माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, हमको सबको मालूम है कि जब 8 नवंबर को जब घोषणा की और 8 नवंबर से मार्च तक जो उनने अवधि डिसाइड की थी उसमें लगभग 20 बार उनने अपने अलग अलग समय समय पर संशोधित आदेश निकालते थे। अचानक लाया हुआ निर्णय था। मेरा ये सुझाव ये अचानक लाया हुआ निर्णय था, जीएसटी तो 10 साल से चल रहा है। मैंने एक आजादी के बाद सबसे ज्यादा 10 से नहीं, मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, वित्त मंत्री ने भी थोड़ा संशोधन करना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे सबसे पहले विषय आया था और चूंकि वो विषय आगे बढ़ता उसी बीच उनकी सरकार चली गई, समय 6 महीने पहले उनने अपनी चुनाव के लिए घोषणा कर दी थी और वो विषय छूट गया था। माननीय वित्त मंत्री तत्कालीन आरोप लगता रहा कि आप अलंगे डालते रहे पिछले 10 सालों में, आपने होने नहीं दिया। नहीं, हमने कभी अलंगे नहीं डाले, जो एकमत देश के लिए हो सकता है उसमें जरूर आगे बढ़े और इसीलिए निर्णय हुआ। और कांग्रेस को तो बोलने का, इसलिए गोमत पे कोई बात नहीं करना चाहिए। केरल की घटना सबके सामने टीवी और कैमरामैन के सामने सरेआम गोवंश की हत्या करके जिस ढंग से उन्होंने सड़क पे उसको खाना पका कर, लेकिन उसको तो निकाल दिया कांग्रेस ने, उसको निकाल दिया, लेकिन जिसने लिखा उसके बारे में आप क्या करेंगे? निकालना पर्याप्त नहीं, कांग्रेस मोहन जी उसको तो निकाल दिया कांग्रेस, माफी नहीं मांगी उसको कांग्रेस ने, निकाल दिया, मुकदमा ले जाना चाहिए था उसको, निकाल दिया, मुकदमा बन गया। कांग्रेस राम राज्य की बात करने वाली कांग्रेस, मोहन जी विषयांतर मत होइए, विषयांतर मत होइए मोहन जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, आप विषयांतर नहीं होइए। मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं लगता है कि कांग्रेस से फिर मुझे जवाब लेना पड़ेगा उसका। बात निकली तो मैंने कहा है, मेरा ये कहना है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया, कांग्रेस पार्टी से। मेरा कहना के ऊपर मुकदमा बना, सब कुछ नहीं बना मुकदमा, यही तो दुख है इस बात का ना। सोनिया गांधी ने माफी मांगी कि कांग्रेस के झंडे तले ये हुआ है ना? राहुल गांधी ने माफी मांगी। माफ कीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को, आपका एक प्रवक्ता जी झारखंड में एक गौ मांस के शक में एक आदमी को खुलेआम सड़क पर मार दिया जाता है, आपका प्रवक्ता उसमें शामिल है, आपने माफी मांगी क्या किसी ने? अरे भाई, मेरी बात गाय काट के सर, क्यों आप इस बारे में बात कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं माफी मांगी? माफी जब मांगने की जरूरत, किसने माफी मांगी? आपकी सरकार है, इसके अंदर किसी ने नहीं मांगी। मुझे लगता है मैं बात जीएसटी कर रहा हूँ, आप क्या कहीं और रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, मैंने इसलिए सुझाव दिया। लेकिन वापस में आपने चूंकि मुद्दे वाली बात है कि गाय माता के अंश के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी संदेश ये नहीं निकलना चाहिए कि हम गोमांस से संबंधित किसी बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने टैक्स क्यों नहीं लगाया उस पे? नहीं लगाया, सीधा सीधा गाय को काटने के लिए हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते जीवन में कभी। तो टैक्स से छूट क्यों दे दिया आपने उसको? टैक्स से छूट ये विषय, उससे विषयांतर करने वाली बात आ रही। मैंने कहा कि हमारा मूल ध्येय, आप तो छूट दे हुए हैं, गोवा तक में आपने छूट दी हुई है, छूट तो दी हुई है आप। नहीं, ये थोड़ा गलत फहमी है। डब्बा बंद तो सब जगह बिक रहा है। मैंने आपसे क्या निवेदन किया, विविधता वाला देश, आप बूचड़ खाने पर रोक लगा सकते हैं लेकिन डिब्बा बंद तो सभी जगह बिक रहा है। नहीं, डिब्बा बंद मांस, गोमांस अगर कहीं बिक रहा हो तो आप बताइए पूरे देश में कहीं बिक रहा हो? गोवा में नहीं बिक रहा। कहां बिक रहा है? खुलेआम बिक रहा है? नहीं बिक रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सब जगह बिक रहा है। आपकी पार्टी के कई लोगों ने दावा किया। कृपया माफ कीजिए, आप जानकारी निकाल ले, मेरे पास बहुत जानकारी है, आप कहें तो मैं अभी आपको सारी जानकारी दे सकता हूं। कि आप ये बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, विविधता वाला, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि आप विषयांतर हो रहे हैं। क्यों आपने उसको हतोत्साहित नहीं किया? मेरा एक सीधा जवाब, मैंने फिर आपसे निवेदन किया है कि जीएसटी जैसे सब्जेक्ट पे आकर के टैक्स की अगर बात करेंगे और गोमांस को उसको शामिल करेंगे तो उसकी आप कल्पना कर लीजिएगा तो वो किस दिशा में जाएगा। क्यों गोकुली चार बार लिखा? यही है, मुक्त रखा है जी, उसमें हमने टैक्स नहीं लगाया। टैक्स मुक्त रखा है, इसका मतलब है कि वो बेचो और टैक्स मुक्त है? नहीं, हमने
फिर वही बात आ रही, देखिए साहब आप ये जरा समझ लीजिएगा, एक बार के पूरे विविधता वाले देश में जो हमने बात, उसमें दृष्टिकोण हमारा जो ईमानदारी से ये है कि हम गोवंश की किसी प्रकार के कोई अंश के ऊपर टैक्स लगा करके ये संदेश नहीं देना चाहते कि हम इसको प्रोत्साहन देना चाहते या इसको मार्केट में लेके आना चाहते हैं। ये बात भी सत्य है कि गोवंश के मामले में फिर गोकुली नहीं भी लिखते ना साहब, अगर आप मानसी लिख देते तो काम चल जाता। नहीं, मांस के आपने गोकुली क्यों लिखा, यही तो सवाल है। मेरा निवेदन फिर मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में ये बात नहीं आ पाई अभी तक। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, मांस की बात करेंगे तो सुअर का मांस, हाँ तो लिखा आपने अलग अलग प्राणियों के उल्लेख किए, सब में टैक्स माफ है, तो आप लिख देते कि समस्त प्राणियों के मांस। अभी फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि वापस अभी चांस है कि कोई संशोधन आदेश निकलेगा तो निकल सकता है, क्योंकि इसकी चर्चा खत्म नहीं हुई है ना, इस पे कोई अभी कार्रवाई खत्म हुई है। नियत का सवाल है, नियत स्पष्ट, नियत का सवाल, नियत का सवाल, नियत का है। आप टैक्स माफ करते हैं, हमने कहा कि हम गोवंश से संबंधित किसी प्रकार के टैक्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, ये हमारी क्यों नाम लिख दिया साहब, आप तो कम से कम ये कह दीजिए कि बताएंगे अपनी सरकार को, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैंने आपसे फिर निवेदन किया कि इस पर विचार विमर्श जारी है, आज भोपाल में बैठकर के हमारे वरिष्ठ मंत्री भी बात कर रहे हैं, इस पर कोई विचार विमर्श का अंत नहीं हुआ, लगातार कोई जो सुझाव अच्छे आएंगे जिसपे हम ये सरलीकरण की तरफ बढ़ने में, कराधान की तरफ आगे कोई अच्छा हो सकता है उस पर चर्चा करने के लिए तत्पर है, तैयार है, उससे हम पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन हमारी नीयत तो बताना पड़ेगी, हमारी दृष्टि तो बताना पड़ेगी, और हमारी दृष्टि स्पष्ट है कि हम इस मुद्दे पर और इसके साथ साथ बाकी मामलों पर भी, जीएसटी में हम ये आप मान के चलिए कि सरकार का वाकई 56 इंच का कलेजा है कि जब तीन राज्यों के एकदम से गुजरात सहित बड़े चुनाव सामने आ रहे हैं, ऐसे में हम इस बड़े मुद्दे पे गए क्योंकि हम देश पहले रखने वाले लोग हैं, हम चुनाव की राजनीति को इससे नहीं जोड़ना चाहते। आप ये बिल्कुल आप मान कर चलिए कि संसार में भारत के लिए वर्तमान का जो नेतृत्व है वाकई वो सब प्रकार से विचार करते हुए भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए दिशा में बढ़ने वाला नेतृत्व है, इसके सब मोर्चे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, विश्व बाजार का इतना किसान आंदोलन कर रहा है, असंतोष व्यापारी आंदोलन कर रहा है, असंतोष व्याप्त है, आप किसान के आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं, उसकी कर्ज माफी नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप गलतफहमी मत डालिए, ये आप किसान का मुद्दा हो या जीएसटी का मुद्दा, सरकार गंभीरता के साथ बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम उसको अपने कंट्रोल में लाएंगे। बिल्कुल, चलिए, मोनी यादव हमारे साथ जुड़े, अनिल सरवैया हमारे साथ जुड़े, जितेन मिश्रा हमारे साथ जुड़े और रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बस यही है कि क्या जीएसटी बहुत जल्दबाजी में लाया गया निर्णय है, या क्या ऐसे लोगों ने इसको बना डाला जो जनभावनाओं को भी नहीं समझते, आम आदमी की जरूरत भी नहीं समझते, आम आदमी की परेशानियों को भी नहीं समझते और व्यापारी को समझाने में नाकाम रहे। बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, इसलिए कि अभी तो व्यापारी ही नहीं समझ पा रहा, उपभोक्ता इसे कैसे समझेगा। तो बस सवाल यही है कि जीएसटी लागू हो, इससे देश का भला हो और जनता भी इस पर विश्वास करे। सरकार के सामने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी चुनौती है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।